एवरीवन, माय नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट हॉल। तो मैंने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से कुछ चीजें ऑर्डर की थी जो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, एंड ये हॉल भी है। तो यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन की। तो अमेजोन से मैंने 3 चीजें ऑर्डर की थी एंड फ्लिपकार्ट से मैंने 2 चीजें ऑर्डर की है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट जो मुझे रिसीव हुआ था वो ये है। तो ये है इंडस वैले का बायो ऑर्गेनिक हेयर रिबॉन एलोवेरा जेल विद ब्रिंगराज एंड वॉलनट ऑयल। तो ये मैंने एक हेयर मैनेजमेंट के लिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है, नॉर्मल ये बॉटल में आता है। सो एज यू कैन सी, ये कुछ ग्रीन कलर में है। तो इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, काफ़ी अच्छी स्मेल है और ज़्यादा भी स्ट्रांग स्मेल ऐसी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये एलोवेरा जेल है एज यू कैन सी, एंड देखते हैं कि ये कैसे एब्जॉर्ब होता है स्किन के अंदर। सो एज यू कैन सी, ये काफ़ी ज़्यादा आई थिंक ये वाटर बेस है, काफ़ी ज़्यादा वाटर बेस है, एंड या काफ़ी ज़्यादा वाटर बेस है। तो ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा एज यू कैन सी, पानी के तरह। तो इसे आपको अपने हेयर पे लगाना है, अगर आपके ड्राई या फिर फ्रिजी हेयर है तो ये उसे अच्छे से मैनेज कर देगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ये ऑर्डर किया था एंड आई थिंक ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, एंड मैं इसे यूज़ भी करूँगी एंड काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी भी है। तो यस, अब बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की। तो सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला प्रोडक्ट, एंड ये है इंडस वैले, सेम ब्रांड का मैंने ये ऑर्डर किया। ये है बायो ऑर्गेनिक अल्ट्रा रिपेयर सन गार्ड एलोवेरा जेल विथ लेमन एंड ऑरेंज। तो ये है SPF 22 के साथ ये आता है। तो ये एक सन गार्ड है, तो इसे मैंने यूज़ किया है। वेट, यू कैन सी इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा भर के आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको मैंने जितना देखा है ना, तो आपको इसे क्या करना है, आप जब भी इसे लगाओगे आपके बॉडी पे, तो मैंने स्पेशली इसको अपने बॉडी पे अप्लाई करने के लिए लिया है, क्योंकि जो मेरे पास सनस्क्रीन है वो मैं अपने फेस पे तो लगा लेती हूँ बट मैं बॉडी पे लगाना भूल जाती हूँ। तो मेरे पास है न्यूट्रिजिना का सनस्क्रीन एंड वो इतनूसा है, तो अगर मैं रोज़ लगाऊंगी तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही होने वाला है, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। तो आपको इसको क्या करना है, आपने जस्ट थोड़ा सा ले लिया ना, आपको इसे रब नहीं करना है। देखो, अगर आप इसे ऐसे करते हो तो अगर आप उसको ऐसे करके लगाओगे तो है ना, ये ना क्या बोलते हैं, थोड़ा वाइटिश लगने लगता है। तो आप जब भी इसे अप्लाई करोगे आपको जस्ट डॉटेड में लगाना है और ऐसे जस्ट टैप टैप करना है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए आपके स्किन में अच्छी तरीके से। तो या तो ये भी अच्छा है, और इसकी जो फ्रैग्रेंस है वो सेम जो एलोवेरा जेल है उसी के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिलती है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, तो इसे मैं अपने बॉडी पे यूज़ करने वाली हूँ। अब बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया। तो जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो है ये बायो ऑर्गेनिक ऑयल। तो ये बेसिकली देखा जाए तो बायो ऑयल की तरह वर्क करता है। ये स्किन केयर ऑयल है, ये आपके जो स्कार्स है उसे रिमूव करता है, स्ट्रेच मार्क्स अगर आपको है कोई तो उसे भी ये रिमूव करेगा। आपकी जो अगर स्किन टोन है वो अगर इवन नहीं है तो उसे इवन करने में भी हेल्प करेगा। मिनिमाइज लाइंस, अगर आपके फाइन लाइंस वगैरह है उसे भी मिनिमाइज करेगा। जैसे कि आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपकी स्किन के इश्यूज भी बढ़ते जाते हैं। सो आपको कोई सीरम या कोई ऑयल ऐसा कुछ आपके पास रखना चाहिए डेली लाइफ में। तो यस, एंड जो अगर पोर्स वगैरह ओपन पोर्स हो गए वो, एंड मेन मैंने इसलिए इसको लिया क्योंकि ये मेकअप रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। वाटरप्रूफ मेकअप हो या कुछ भी मेकअप हो आपको, आप इससे रिमूव कर सकते हो। तो इसको मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, मैंने सोचा था कि मैं इसे वीडियो में ओपन करूँगी। मैंने सोचा था ये थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, आई होप इसका काम अच्छा हो। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छा कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, एंड ओ माय गॉड सी, ये काफ़ी अच्छे से पैक है और एकदम छोटू सी मिनी सी बॉटल है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली भी है एंड आप इसे ट्रैवलिंग के टाइम पे भी इसे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर लिखा है इंडस वैले जो ब्रांड है वो,
एंड मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इससे। तो देखते हैं इसकी स्मेल वगैरह कैसी है। मैंने इसके जो अंदर की पैकेजिंग थी उससे भी रिमूव किया एंड मुझे इतना अच्छा लगा। एज यू कैन सी, अभी यहाँ पर आपको कुछ रिमूव नहीं करना है, इसको जस्ट ये जो जगह है वहाँ पर आपको इसे प्रेस करना है ऐसे, तो ये जो पार्ट है ये ऊपर आ जाता है एंड देन वहाँ से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। ओ माय गॉड काफ़ी ज़्यादा निकल गया। इसकी स्मेल है ना थोड़ी वो जो जड़ी बूटी रहती है ना, आयुर्वेदिक ऑयल रहता है कुछ वैसी ही है, काफ़ी ज़्यादा ऑयली है और कितना सारा ऑयल गिर गया है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरे अपने हैंड्स पे से लगा लेती हूँ, अभी वेस्ट क्यों करना ना। ओके सो मैंने अपने हैंड्स को उसे लगा लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आ गया था। तो ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, एज यू कैन सी काफ़ी ऑयली और पैची नहीं लगता है। तो या मेरे को ये अच्छा लगा, बस प्रॉब्लम है कि इसकी स्मेल थोड़ी काफ़ी आयुर्वेदिक ऑयल होता है, अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा उसकी कैसी स्मेल होती है, थोड़ी जड़ी बूटियों टाइप वैसी स्मेल है। अदरवाइज मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड काफ़ी अच्छा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ करके। मैं सोच रही हूँ करने का, कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेकअप कैसे रिमूव होता है। सो यस, मैं सोचूंगी कि इसका रिव्यू करूँ। तो ये लास्ट प्रोडक्ट था अमेजोन से एंड अभी बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया एंड जो फ्लिपकार्ट से मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किए वो मेरे लिए ऑर्डर नहीं किए, मैंने वो किसी और के लिए ऑर्डर किए। तो अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट से जो मैंने ऑर्डर किया है उसकी। तो जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया वो मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया है, मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अपने भाई के लिए, मेरा जो छोटा भाई है उसके लिए। तो ये है, फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो है ये। सो ये है इंडूस वेले का मेन फेयरनेस क्रीम। ओके, तो ये फेयरनेस क्रीम है। तो गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप काले हो तो गोरे हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। ये काम करता है आपके अगर डार्क स्पॉट हो गए, अगर इन अनइवन स्किन टोन होगी या फिर टैन वगैरह होगा तो उसे ये रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है। तो उसके लिए मैंने इसे ऑर्डर किया है। सो इसकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एज यू कैन सी काफ़ी छोटू सा एंड काफ़ी ज़्यादा मोटा सा ये प्रोडक्ट है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड ये आपके जो स्पॉट वगैरह होंगे, डार्क स्पॉट, उसके लिए ये अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैन जो भी है, अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपके स्किन के लिए वर्क करे तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये मैंने अपने भाई को गिफ्ट किया है, उसकी एज अराउंड वो 18 है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्किन इशू होने स्टार्ट हो गया क्योंकि यही एज होती है जहाँ पर आपको स्किन इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपका कोई भाई है या फिर आपका बेटा है, जो कोई भी हो, तो आप उसे ये गिफ्ट कर सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा केमिकल नहीं है। तो यस, एंड आपको प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये क्रीम है एंड उसी के साथ मैंने ऑर्डर किया है इसका ये चारकोल 2-in-1 मास्क प्लस स्क्रब। तो ये सेकेंड वाला प्रोडक्ट है जो आप एज अ मास्क एंड एज अ स्क्रब आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है आपके पूरे फेस पे, आपको ड्राई होने देना है एंड उसके बाद आपको वेट हैंड से अच्छे से मसाज करना है। तो जो भी डर्ट होगा, अगर जो भी पोर्स में जो भी डर्ट वगैरह होगा वो अच्छे से रिमूव होगा एंड अगर आपकी टैन वगैरह है तो वो भी अच्छे से रिमूव होगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी है आपके स्किन के लिए। तो ये स्क्रब मुझे सीरियसली गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये मैंने ना चिपके से मेरे हाथ पे यूज़ किया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर है ना आपको पूरा ऐसे बीच वाला फील देगा, ऐसे लगेगा कि आप मिट्टी में यू नो ये करके आए हो। तो यू कैन सी ब्लैक, तो आपको जस्ट इसे ऐसे लगाना है एंड ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा वाटर बेस है एंड उसमें जो फाइन पार्टिकल्स है जो आपको आपके फेस पर रब करने होते हैं जिससे आपका जो भी डर्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव होगा। तो आपको जस्ट इसे ड्राई रखना है, ड्राई करने के बाद आपको वेट हैंड से इसे अच्छे से मसाज करना है एंड देन आपका फेस वॉश करना है। आप चाहो तो इसे आपके बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने हैंड पे, मैंने जस्ट देखा था कि कैसे देखते हैं, तो मैंने अपने हैंड पे यूज़ किया था एंड गाइज फर्स्ट में इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर जो बॉयज़ है या फिर जो भी मैन है, अगर वो सोच रहे कोई प्रोडक्ट यूज़ करने का आपके फेस के ऊपर, तो आप इस मास्क प्लस स्क्रब को यूज़ करके ज़रूर देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मैंने अभी तक मेरे भाई को बताया नहीं है, तो मैं अभी उसको देने वाली हूँ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो गाइज यस, यही कुछ प्रोडक्ट थे जो मैंने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से
ऑर्डर किए थे एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये काफ़ी छोटू सा मेरा हॉल अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड ऑल्सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी, बी स्ट्रांग एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. बाय बाय, टेक केयर.